तो है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एव पे स्वागत है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे जो साठ हज़ार दो सौ चौवालीस पद वैकेंसी आई थी अभी कल तक फॉर्म अप्लाई हुआ था सोलह जनवरी तक वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते वक्त तो अपने फॉर्म में कोई भी गलती कर दिए थे ए से लेके जेड तक कोई भी गलती कर दिए थे तो वहाँ पर अब आप करेक्शन कर सकते हैं वेबसाइट की तरफ से इसकी ऑफिशियल साइट पे एडिट करेक्शन का ऑप्शन आ गया है जहाँ पर जाकर आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो ए से ले जेड तक करेक्शन कर सकते हो कोई भी चीज़ हो वहाँ पे करेक्शन हो जाएगा जैसे फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपका फॉर्म ओपन हुआ था रजिस्ट्रेशन उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद ओ आती थी ओ जनरेट होता था उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप अपना नंबर ई मेल वगैरह सारा चेंज कर सकते हो ठीक है उसके साथ उसके बाद आपका लास्ट में फॉर्म अप्लाई होता था जहाँ पर आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर आय जात और सॉरी जात निवास और टेंट ट्वेल्थ का मार्कशीट अपलोड करते थे वहाँ पर आप वो भी सारा ए मारे करने का मतलब ये है कि ए से लेके जेड तक आपका फॉर्म में अपना करेक्शन हो जाएगा यहाँ पर कुछ बात जो है ध्यान देने वाली ये है कि इसमें सभी लोग फॉर्म में अपना करेक्शन कर सकते हैं ठीक है और इसमें करेक्शन चार्ज कोई नहीं लगेगा और करेक्शन चार्ज कोई नहीं लगेगा उसके साथ साथ दोस्तों इसमें ये भी ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है कि आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा ठीक है तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जब फॉर्म अपना एडिट करेक्शन करें तो इसको विशेष ध्यान में रखें कि आप जो करेक्शन कर रहे हो ठीक है जब सबमिट करो तो उसको अच्छे से चेक करो दो से तीन बार चेक करना कि कोई दोबारा से मिस्टेक तो नहीं हो रहा है नहीं तो एक चीज का करेक्शन करने गए और एक चीज वहां पर गलती कर दिए ठीक है तो आपको अच्छे से करेक्शन करना है आपको एक ही चांस दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा स्क्रॉल करते हैं नीचे आओगे पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे से जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कैंडिडेट लॉग कैंडिडेट लॉग पे क्लिक करना है आपको यहां पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है अब ये भी याद रखना कि साइड बहुत स्लो चल रही है जैसे आपको ये वीडियो पहुंचे या आपके पास जैसे ही टाइम मिले तुरंत आप अपना करेक्शन कर लीजिए ठीक है सत्रह अट्ठारह दो दिन करेक्शन होगा दो दिन डेट पहले बताया गया था आ, तो आपको थोड़ा भी दोस्तों लेट नहीं करना है ठीक है नहीं तो अगर आप सर्वर स्लो हो गया तो आपका करेक्शन भी नहीं हो पाएगा हो पाएगा ठीक है कहीं ओ नहीं आएगा कहीं पर फोटो नहीं अपलोड होगा कहीं पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है डेट ऑफ बर्थ डालना है ये वाला कैप्चर कोड होता है इसको फिलअप करना है अपना अकाउंट को लॉगिन करना है चलिए लॉगिन कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप फॉर्म फ्लाई करते हो तो आपको मिला होगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर जो है ये वाला कैप्चर कोड फिलअप करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है ठीक है लॉगिन पर जैसे क्लिक करोगे तो वेट कर लेना है तो पहले दोस्तों जब अभी आप करेक्शन डेट से पहले जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो कर रहे थे तो आपको दोस्तों यहाँ पर प्रिंट अप्लीकेशन और लॉग आउट शो हो रहा होगा ठीक है यहाँ पर आपका ये सब शो हो रहा होता है यहाँ पर आपका सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई दे रहा होगा लेकिन अब दोस्तों आपको कैसे दिखाई देगा तो दोस्तों अब आपको कुछ इस तरह शो होगा ठीक है तो यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन रन हो रही होगी यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट अलाउड टू एडिट द अप्लीकेशन ओनली वन केस मोर देन वन एडिट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड सिर्फ आपको एक ही बार करेक्शन करने के लिए यहाँ पर अलाउ किया जाता है अगर आप एक बार में करेक्शन नहीं कर पाते हो फिर भी कोई गलती कर दिए है दोबारा से आपको चांस नहीं दिया जाएगा तो आपको अपना अपलीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर एक एक चीज़ को ही करेक्शन करना है और दोस्तों कभी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि आपको दोबारा से पूरा फॉर्म करेक्शन करना पड़ेगा नहीं दोस्तों जो आप फॉर्म में गलती हुई है वही करेक्शन करना है बाकी जो जैसे है वैसे रहने देना है जैसे आप यहाँ पर दिख रहा होगा अपलीकेशन एडिट वन टाइम इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे वेट करते हैं तो वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा लॉग इन अथवा फॉर एडिट एडिट के लिए आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फ़िलअप करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ अभी जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके अपने अकाउंट को लॉग इन किए थे वो यहाँ पर दोबारा से इंटर करना है ये वाला कैप्चर कोड फिलअप करना है और आपको यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर देना ठीक है लॉइन पर जैसे क्लिक करोगे आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर और अप्लीकेशन फॉर्म लास्ट तक सारा ए टू जेड आपका वहाँ पर करेक्शन हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से करेक्शन करिए और करेक्शन करिए अगर कर आपके फॉर्म में क्रिक्स करने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इंस्टा आई पर मैसेज कर सकते हैं जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंसन है और वह मैसेज कर सकते हैं जहाँ तक होगी वहाँ तक आपका हेल्प किया जाएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अब तक के लिए बाय टेक केयर